सीमा और पवन एक खुशहाल दंपत्ति थे। सीमा और पवन की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। सीमा गर्भवती थी और उसको पूरा समय चल रहा था। पवन, मुझे आइसक्रीम खानी है और वह भी पिस्ता आइसक्रीम। अरे यार, इस समय तुझे पिस्ता आइसक्रीम कहाँ से खिलाऊं? मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे तो पिस्ता आइसक्रीम ही खानी है। कहीं से भी लेके आओ पिस्ता आइसक्रीम। वह तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मिलती है और वहाँ से लाने में बहुत समय लग जाएगा और यहाँ तक आते आते वह मेल्ट भी हो जाएगी। पवन को सीमा के आगे हार माननी पड़ती है, परंतु अब समस्या यह आती है कि वह इतनी दूर से अगर आइसक्रीम लेकर आएगा तो वह पिघल जाएगी। इसीलिए दोनों ने निश्चय किया कि वह खुद आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सीमा और पवन गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम पार्लर की ओर रवाना हो जाते हैं। रात देर की होती है, इस वजह से सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं होती और वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें आदमी मिला। भाई साहब, मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, वह गर्भवती है। नहीं नहीं, हम नहीं लेकर जा सकते। कैसी बातें कर रहे हो पवन, उसकी बीवी गर्भवती है और उसको हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर उसकी जगह मैं होती तो भी क्या तुम ऐसा ही करते? अभी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पागल हुई हो क्या सीमा, तुम्हें पता नहीं आजकल कितने क्राइम हो रहे हैं? आजकल किसी पर विश्वास करना सही नहीं, और वह भी इतनी रात गए। यहाँ पर गाड़ियां भी कम आ जा रही हैं, शायद सच में उनको हमारी जरूरत हो। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? पवन का भी मन पसीज जाता है और वह दरवाजा खोलकर उसकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु तभी उसकी बीवी एक छुरा निकालकर सीमा की तरफ रख देती है और आदमी पवन को पकड़ लेता है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरी बीवी गर्भवती है, उसको पूरा समय चल रहा है, उसको छोड़ दो, चाहे मुझे जो कर दो पर उसको जाने दो। आदमी उसके पास से सारे पैसे और कीमती सामान लेकर भाग जाता है और औरत सीमा को धक्का देकर भागती है, जिसकी वजह से सीमा जमीन पर गिरती है और उसके पेट में जोर का दर्द होने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो चुड़ैल बन जाती है, उसके चारों तरफ चुड़ैल होती है और उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। सीमा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तभी जोरों की हवा चलती है और सीमा के बाल खुले हुए और एक भयानक रूप में सीमा पवन के सामने आती है, जिसके हाथ में उसकी जन्मी बच्ची होती है और वह पवन को दिखाती हुई कहती है, पवन, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है, देखो, पर अब हम दोनों चुड़ैल बन चुकी हैं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूं, अपना ध्यान रखना और दूसरी शादी कर लेना। सीमा भयानक रूप में होती है और उसकी बच्ची की आंखों से खून निकल रहा होता है। पहले तो पवन उसको देखकर डर जाता है, परंतु अपनी बेटी को देखकर वह रोने लगता है। सीमा अपनी बच्ची को लेकर गायब हो जाती है और पवन देखता रह जाता है। गर्मियों की दोपहर का समय था और कुछ बच्चे एक कॉलोनी में खेल रहे थे। यार, मैं तो बोर हो गया हूँ यहाँ खेलते खेलते, चलो कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पापा मना करते हैं। अरे मना तो हम सब के घर वाले भी करते हैं, पर देख अभी मौका है, हमारी मम्मियाँ घर के काम में बिजी हैं और पापा काम पर गए हुए हैं। हाँ, हैरी सही कह रहा है, मैं तो जाऊंगी। उनकी यह बातें चल ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत कॉलोनी के गेट पर आती है। कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे, यह औरत क्या बोल रही है, आ चलकर देखते हैं। तीनों उसके पास जाते हैं
उनके उसके पास पहुंचते ही मौसम बदलने लगता है, धूप गायब होने लगती है और काला साया आ जाता है। पर बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते और उससे पूछते हैं, क्या हुआ माई? बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, इसलिए तुम बच्चों को चुराने आई हूँ ताकि तुम्हें खा सकूं। उसके इतना बोलते ही वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके चेहरे का आधा मांस गायब था और उसके नाखून और बाल बहुत लंबे थे। वो एक डरावनी हंसी हंसते हुए अपने लंबे बालों में हैरी और मीनू को जकड़ लेती है और गोपी को हाथ से उठाकर बगल में दबा लेती है। तीनों बच्चे रोते हुए चिल्लाते हैं, बचाओ, हमें छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। पर उनकी यह पुकार कोई नहीं सुनता और वह चुड़ैल उनको लेकर उड़ जाती है और एक सुनसान हवेली में पहुंचती है। हवेली के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ बच्चों के कटे हुए हाथ पैर, धड़ और हड्डियां पड़ी होती हैं। उन्हें देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां खून की बारिश होने लगती है और सिर कटे बच्चे उठकर खड़े हो जाते हैं। पकड़ लो इन तीनों को और इनका लाकर सिर मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तीनों यह सुनते ही डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर हर जगह खून होने की वजह से वो फिसल कर गिर जाते हैं। सिर कटे बच्चे आकर तीनों को पकड़ लेते हैं और चुड़ैल के सामने खड़ा करते हैं। तब तक खून की बारिश भी रुक जाती है। पहले किसे खाओ, किसे खाओ, किसे खाओ? हमें जाने दो प्लीज, मम्मी बचाओ, इन दोनों को खा लो पर प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर चुड़ैल गोपी को अपने बालों में लपेट कर हवा में उठाती है और कहती है, मैं तुझे नहीं खाऊंगी, पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तू हर सप्ताह मेरी भूख मिटाने के लिए कुछ बच्चों को लेकर यहाँ आएगा, और अगर नहीं आया तो तू जहाँ होगा वहाँ आकर मैं तुझे खा लूंगी। गोपी यह शर्त मान लेता है और चुड़ैल उसको छोड़ देती है। वह जाने लगता है तो हैरी और मीनू उसे चिल्लाकर बुलाते हैं, पर वह मुड़कर नहीं देखता। गोपी, 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 हमें छोड़कर मत जा। तभी अचानक चुड़ैल उन दोनों के सिर के धड़ से अलग कर देती है और बारी बारी उन्हें खा लेती है। फिर वो धीरे धीरे उनके हाथ पैर और बाकी अंग खाती है। उधर गोपी अपने घर चला जाता है। रमन को गिटार बजाना बहुत पसंद था, परंतु उसको बजाना आता नहीं था, पर फिर भी वह बजाना चाहता था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुए को खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। अरे, ये बटुआ ना जाने किसका है, इसमें तो पैसे भी बहुत सारे हैं। आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर यहां पर इंतजार करता हूं, अगर कोई लेने आया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखूंगा कि क्या करना है। रमन बहुत देर तक वहां इंतजार करता है, पर वहां कोई भी नहीं आता। तो रमन सोचता है, इसमें इतने पैसे तो हैं कि मैं एक गिटार ले सकूं। मैंने पिताजी से बहुत बार पैसे मांगे, पर पिताजी ने कभी मुझे गिटार खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। अब मेरे पास पैसे भी हैं और मौका भी है, क्यों ना मैं अब गिटार खरीद लूं, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। रमन उन पैसों से एक अच्छा सा गिटार खरीद लेता है। वह गिटार खरीद तो लेता है, पर उसको तो बजाना ही नहीं आता था। तो वह उस गिटार को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की बहुत ही अच्छा गिटार बजा रही थी। वह वहां पर रुककर गिटार सुनने लगता है। बहुत देर से देख रही हूं, तुम यहां पर बैठकर मेरा गिटार सुन रहे हो, तुम्हारे हाथ में भी तो गिटार है,
तुम भी मुझे बजा कर दिखाओ। मैंने गिटार आज ही खरीदा है परंतु मुझे बजाना नहीं आता। तो क्या हुआ, मुझे तुम अच्छी लड़की लग रही हो, मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगी। रमन उसके पास रोज गिटार सीखने जाने लगता है और उसकी उससे बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। पर अमावस्या की रात को सीमा उसको अपने पास आने के लिए मना कर देती है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, बेचारी वह अकेली रहती है, शायद उसको मदद की जरूरत हो। एक बार उसे मिलाता हूं। रमन जब निश्चित स्थान पर पहुंचता है तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि सीमा एक चुड़ैल के रूप में होती है। वह उसे देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सीमा उसके सामने होती है। वो बहुत डर जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है और मैं यही चाहती थी, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इस संसार से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम्हारी मुक्ति का क्या मार्ग है? अगर तुम मेरा यह गिटार जला दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और वह है कहाँ? इस हवेली के सबसे पहले वाले कमरे में रखा हुआ है। रमन ऐसा ही करता है और सीमा को चुड़ैल के जीवन से मुक्ति मिल जाती है।